ये हमारा आज Redmi Note 4 Pro 5G फोन है ये, और ये मैंने ऑर्डर किया है जो कि मुझे डिलीवर हो गया आज, इसकी मैं करूंगा अनबॉक्सिंग। आइए देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी बिल्कुल मुझे मिला है ये, ये देखिए इसके, ये आप देख रहे हैं नोट 12 प्रो। ये इसकी अभी ये सील पैक है एक्चुअली, इसकी हम सील पैक को हटाएंगे पहले। ये इसकी सील खुल चुकी है, अब इसके अंदर देखेंगे हम पहले बॉक्स में क्या क्या दिया गया है बॉक्स के अंदर। ये सिम इजेक्टर है, ये साथ में एक सिम इजेक्टर दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये सिम इजेक्टर इसका। उसके बाद ये बुकलेट है, एक ये सिलिकॉन कवर किया हुआ है, ये सिलिकॉन कवर अच्छी क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंट में है ये, और ट्रांसपेरेंट में ही आता है ये इसमें। ये देखते हैं ये इसमें जो है, ये हमारा फोन है, ये देखिए आप, ये ग्लास फिनिश पे है, पूरा ग्लास फिनिश पे फोन है। इसमें कैमरे हैं, ये रेडमी का लोगो, ये पीछे आपको बारकोड, और ये फोन की स्क्रीन है जो कि कर्व में है, पूरी कर्व स्क्रीन है और स्क्वायर शेप में है, बहुत ही मतलब गुड लुकिंग फोन है ये। इसको आइए ऑन करते हैं, तब तक और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स में एक चार्जिंग केबल दिया हुआ है और एक 67 वॉट का अडॉप्टर है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, हैवी क्वालिटी का अडॉप्टर है ये, और बाकी बॉक्स कुछ नहीं है इसके अलावा। अभी फोन हमारा ऑन होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। भाई MIUI 14 पे है ये, और इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हम, इंडिया पे सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन होगा अभी सेटिंग। अभी ये इसमें हमारा सिम कार्ड नहीं पड़ा हुआ है तो सिम को डिटेक्ट करेगा, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डालेंगे। अभी हम फोन का पहले आपको व्यू दिखा देते हैं पूरा। ये वाईफाई की सेटिंग पूछ रहा है, अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई लगाइए, गूगल को लगाने के बाद आप जो है एक्सेप्ट करिए, स्किप करते जाइए अभी आप, क्योंकि स्टार्टिंग का फोन है, अभी इसमें बहुत सेटअप बनाने पड़ेंगे मुझे। अग्री, अब इसमें आप दो चीजें सेलेक्ट करिए, या तो आपको इस तरह की स्क्रीन चाहिए या इस तरह की चाहिए, तो आप इस तरह का लगा सकते हैं, चाहे तो अपनी मर्जी है अब आपकी। सेटअप कंप्लीट, अभी जो है ये एप्लीकेशन जितनी प्री इंस्टॉल्ड है ये उनका सेटअप क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए फोन की स्क्रीन देखिए आप, बहुत मतलब गुड लुकिंग स्क्रीन है, एमोलेड स्क्रीन है इसकी, और अभी इसमें एप्लीकेशन नहीं है ज़्यादा, पर इसका हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। सेटिंग इसमें आते हैं, इसका हम अबाउट फोन पे देखते हैं क्या है। ये MIUI वर्जन 14 पे है ये, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 1/3/2023, एंड्रॉयड वर्जन 12, और आप ये देख रहे हैं स्टोरेज इसकी, स्टोरेज इसकी 26GB यूज्ड में है, 256GB का ये मेमोरी है इसकी। इसकी रैम आप देखिए, ये मैंने जो लिया था ये 12GB रैम का है, और आप इसमें रैम एक्सटेंड भी कर सकते हैं मेमोरी के हिसाब से, 12GB रैम है प्लस 3GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। एडिशनल सेटिंग्स में आएंगे हम, और मेमोरी ये देखिए 7GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए मतलब आपका फोन शायद ही कभी हैंग हो इस तरह में अगर आप मेमोरी बढ़ा देंगे तो, लेकिन 12GB चूंकि बहुत है, मुझे नहीं लगता कि इसको शायद अभी मुझे जरूरत पड़ेगी इतनी जल्दी। ये हमारा रेडमी कैमरा क्वालिटी, इसके कैमरे को देखते हैं हम, ये देखिए कैमरा क्वालिटी ऐसी 1x 2x जूम है, और अब वीडियो में देख लेते हैं एक बार हम इसका, वीडियो में भी इसकी जूमिंग ठीक है,
क्वालिटी अच्छी आ रही है और फोन ओवरऑल अच्छा है। बाकी इसका मैं रिव्यू डालूंगा यूज करने के बाद कि फोन में और क्या कमी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इसका मैं रिव्यू आपको बहुत जल्द दूंगा। चलिए मिलते हैं, तो एक बार थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।